हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। सूरदास के पद सूरदास जी द्वारा रचित ही हैं। सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था तथा माता जी का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को भी सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। हमारे सिलेबस में सूरदास के दो पदों को प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों पदों में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर उल्लेख किया है। इन दोनों पदों में कवि सूरदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। मैया कभी बढ़ी की चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वे है लांबी मोटी। काडत गुहत नहावत जेही, नागनी सी भुई लोटी। कांचो दूध प्यावत पच पच, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दोनों भैया, हरी हल्दर की जोटी। तो इस पद में कवि सूरदास जी बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा को मक्खन और रोटी न देने के कारण शिकायत करते हैं, तब मैया यशोदा क्या करती है, कृष्ण को चोटी बढ़ने के बहाने दूध पिलाना चाहती है। तब श्री कृष्ण मैया यशोदा से अपनी चोटी लंबी कब होगी इस विषय में कुछ प्रश्न पूछते हैं और क्या कहते हैं मैया कि हे यशोदा मैया, कब ही कब बढ़ेगी बढ़ेगी चोटी चोटी, कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, अर्थात कब लंबी होगी। कितनी बार किति कितनी बार मोही मैंने दूध दूध पियत पिया है, यह अजहू आज भी है छोटी छोटी, कि मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, किंतु यह तो अब भी छोटी ही है। तू तू कौन, मैया यशोदा जो कहती कहती थी बल, बल कौन, बलराम जी उनके बड़े भाई, कि बेनी बेनी अर्थात चोटी ज्यो जैसे, वे हो जाएगी है लंबी लंबी मोटी मोटी, कि आप तो मैया मुझसे क्या कहते थी कि यह बलराम की चोटी की भांति ही मोटी और लंबी हो जाएगी। काडत कंघी करना, गुहत गूंथना, नहावत नहलाना या धोते जेही जिस समय, नागिनी नागिन सी के समान, भूई भूमि पर लोटी लोट जाएगी। धोने कंघी करने और गूथने पर नागिन की भांति या नागिन के समान ही यह धरती पर लोटने लगेगी, आप तो मुझे यही कहती थी। कांचो कच्चा दूध दूध पियावत पिलाते हो पची पची, रोज रोज देती देते नहीं माखन रोटी, कि हे मैया यशोदा आप तो मुझे रोज रोज कच्चा दूध पीने को ही देती हो, मुझे माखन और रोटी नहीं देती। सूर सूरदास जी कह रहे हैं चिर जीवो अर्थात देर तक बहुत सालों तक जीवित रहें। दो दोनों भैया भैया हरि भगवान श्री कृष्ण, हल्दर हल को धारण करने वाले कौन, बलराम की जोटी जोड़ी। अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण इस प्रकार के प्रश्न अपनी मैया यशोदा से पूछते हैं चोटी के विषय में, तब मैया यशोदा बालक श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है और गले से लगाकर क्या कहती है कि कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी सालों सालों तक जीवित रहे, इन दोनों की लंबी आयु हो। कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए, भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से क्या कहते हैं कि हे मैया मेरी चोटी कब लंबी होगी, मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है लेकिन यह अभी भी छोटी ही है, आप तो कहती थी कि यह बलराम की चोटी की भांति ही मोटी और लंबी हो जाएगी, जब धोगे कंघी करने और गूंथने पर यह नागिन के समान ही धरती पर लौटने लगेगी। माता आप तो मुझे रोज रोज कच्चा दूध पीने को ही देती हो, मुझे माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती। तब सूरदास जी कहते हैं कि जब बालक श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, तब मैया यशोदा श्री कृष्ण को अपने गले लगा लेती है और क्या कहती है कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी सालों सालों तक जीवित रहे, अर्थात इन दोनों की लंबी आयु हो। तेरे लाल मेरो माखन खायो,
दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में दूध दही सब सखने खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भूई में डरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोटा कोनई डंग लायो, सूर्य शाम को हटकी ने राखई, तय ही पूत अनोखो जायो। इस पद में सुदास जी ने क्या बताया है कि जब एक दिन श्री कृष्ण एक गोपिका के घर में अपने साथियों के साथ घुसकर मक्खन दूध दही खा जाते हैं, तब वह गोपिका मैया यशोदा से श्री कृष्ण व उनके साथियों की शिकायत करने आती है और उन्हें उलाहना देती हुई कहती है कि तेरे की मैया यशोदा की, हे यशोदा, तेरे तुम्हारे लाल बेटे ने या कृष्ण ने मेरा मेरा माखन माखन खाया खाया है कि तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दोपहर दिवस दिन में जानी जानकर घर घर को सुनो सुना, ढूंढी ढंडोरी ढूंढ ढूंढ कर आप ही अपने आप ही आयो आ गया कि दिन में दोपहर के समय घर को सुना जानकर ढूंढ ढांढ कर अपने आप ही घर में आ गया। खोली किवारी खोले खोले किवारी किवाड़ को दरवाजे को पैठे प्रवेश किया या आया मंदिर में, मंदिर में दूध दही सब सब कुछ सखनी मित्रों को खवाया खिला दिया कि ये घर के किवाड़ को खोलकर अपने सभी साथियों के साथ अंदर आया और अपने सभी साथियों को दूध दही सब कुछ खिला दिया। उखल चढ़ी उखल पर चढ़कर सीकई को लीनो, सीके क्या होता है, छीका। प्राचीन काल में जैसे रोटी रखने के लिए उसका प्रयोग करते थे और जैसे घी दूध इन सब चीज़ों को रखने के लिए उसका प्रयोग करते थे ताकि बिल्ली वगैरह उनको ना खा पाए। तो उखल चढ़ी उखल पर चढ़ गई सीकई छीके को लीनो ले लिया, अनभावत अनभावत जो अच्छा नहीं लगा भूई भूमि में डरकायो गिरा दिया कि हे यशोदा, मैंने जबकि मक्खन को छीके पर रखा हुआ था लेकिन बालक कृष्ण ने ओखल पर चढ़कर छीके से मक्खन खा लिया और कुछ तो जो अच्छा लगा उसे तो खा लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे भूमि पर या नीचे गिरा दिया। दिन प्रति प्रत्येक दिन हानि हानि होती हो रही है गोरस की, गोरस किसे कहा जाता है, गाय के दूध दही की, यह डोटा डोटा अर्थात लड़का कोने कोन्या या नहीं है ढंग तरीका लायव बनाया है कि इस प्रकार से हर रोज गोरस की अर्थात गाय के दूध दही माखन की हानि हो रही है। यह बालक या शरारती बालक बहुत ही अनोखे शरारते करने लग गया है, इसको आपने कुछ नहीं सिखाया है। सूर सूरदास जी कह रहे हैं शाम को, शाम अर्थात कृष्ण को हटकी संभाल कर न नहीं राखे रखते हो, तही तो ही पूत पूत यानी बेटा अनोखो अनोखा मतलब बिल्कुल निराला जायो पैदा किया है। और सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि वो गोपी यशोदा से क्या कहती है कि तुम अपने बेटे को या कृष्ण को संभाल कर नहीं रखती या उसे समझा कर नहीं रखती, क्या तुमने ही अनोखे बेटे को जन्म दिया है। कंप्लीट पैराग्राफ के एक साथ देखिए, इसमें गोपी यशोदा माँ को उलाना देते हुए क्या कहती है कि तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खा लिया है, दिन में दोपहर के समय घर को सूना जान कर ढूंढ ढूंढा कर अपने आप ही ये घर में घुस आया, उसने घर के किवाड़ खोलकर अपने सभी मित्रों के साथ वो अंदर आया और दूध दही और सब मक्खन अपने मित्रों को भी खिला दिया, जबकि मैंने मक्खन को छीके पर रखा था लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने ओखल पर चढ़कर सीके को लेकर उसमें से माखन को निकाल कर जो उसे अच्छा लगा उसे खा लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे नीचे गिरा दिया। दिन प्रत्येक दिन गोरस की हानि होती जा रही है, क्या तुमने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुम अपने बेटे को संभाल कर रखो, क्या तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है।